बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी आयशा और आज मैं आपको बताऊंगी अचार या अरवी को आसानी से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अरवी को छील लें, उसे कट कर लें और उसे 1.5 टेबलस्पून नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें ताकि उसका लेसलापन ख़त्म हो जाए। जी, तो सालन की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हैं 2 प्याज दरमियानी, ठीक है, और 2 टमाटर वो भी दरमियानी होने चाहिए, 2 नींबू चाहिए होंगे और 5 से 6 मोटी वाली मिर्चें, और साथ में हमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में हमें चाहिए है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया और हसबे ज़रूरत नमक। साथ में हमें 2 टेबलस्पून चाहिए अचार गोश्त का मसाला। और चलें जी, अब हम अपनी तैयारी करते हैं सालन बनाने की। दूसरी साइड पे हमें करना यह है कि अचार गोश्त के मसाले के ऊपर लेमन निचोड़ के इसे फिल कर देना है मिर्चों के अंदर, और इस तरह ये मिर्चों के अंदर फिल हो चुका है और इसको हम लास्ट में। अब हमें चाहिए कुकिंग पॉट जिसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल, और ये आपके सामने मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, 2 दरमियाने जो मैंने आपको बताया था वो हमने इसमें ऐड कर दिए, और हमने इसकी नॉर्मल फ्लेम रखनी है। इसके बाद प्याज को इतना करें कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट के बाद हमने इसमें ऐड किए थे टमाटर, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका मसाला नीचे लगे नहीं और अच्छे से इसका मसाला मिक्स हो जाए। अब हम मसाले के ऊपर कैप दे देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ा मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ हमने अरवी रख दी थी, अरवी को हमने वॉश कर लिया था, इसका नमक निकाल लिया था इसके अंदर से, और हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया, और ये लाइट गोल्डन हो जाएगी तो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। भुने हुए मसाले में हमने फ्राई की हुई अरवी ऐड कर दी है और अब हम इसे मिक्स करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे मिर्चें जो अचार गोश्त के साथ हमने फिल की थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा पानी इसमें ऐड करके इसको दम पे रख देंगे 4-5 मिनट्स। दम के बाद हम इसको हल्के से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको सर्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अचारी अरवी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।